हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम 2021 में ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। यहां पर हम सीखने वाले हैं, साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से अन्य अपडेट्स आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। आप ये सब के लिए चैनल पर जा सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं रेल कनेक्ट जो ये एप्लीकेशन है इसके थ्रू बताने वाला हूँ। तो ये एप्लीकेशन हमें गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। ये किस प्रकार से हमें यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन की, यहाँ पर फर्स्ट हमें यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी मैंने पिन यहाँ पर सेट किया हुआ है वो पिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद जो ये कैप्चा है वो कैप्चा हमें यहाँ पर डालना है, और इसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन इस पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारा जो ये एप्लीकेशन है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलते हैं, लेकिन हमें टिकट बुक करनी है तो हम यहाँ पर प्लान माई जर्नी इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कहाँ से फ्रॉम में हमें अपना स्टेशन यहाँ पर चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर हरिद्वार से यहाँ पर लेने वाला हूँ। टू में हमें यहाँ पर अपना स्टेशन यहाँ पर डेस्टिनेशन चूज़ करना है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कलोल, जो कि गुजरात में है। तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम किस डेट में जाने वाले हैं, किस डेट में हमें यह टिकट बनाना है, वो डेट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर ले लेता हूँ, 15 अक्टूबर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पर ओके बटन इस पर क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद हम यहाँ पर सर्च ट्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो भी ट्रेंड्स होंगी वो सब हमें यहाँ पर मिलती हैं। जो जो जितनी जितनी सीट अवेलेबल होंगी वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी सीट में, जिस भी बोगी में, जिसमें भी हमें सीट बुक करनी है वो हम क्लास यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेकंड एसी में यहाँ पर टिकट बुक करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सेकंड एसी यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। उसका फेयर कितना है तो 2,050 रुपये है, तो ये मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम आई अग्री इस पर क्लिक कर लेते हैं। ध्यान रखें कि जब हम यहाँ पर क्लिक करें तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आती हैं वो हमें पढ़नी ज़रूरी है। इसके बाद हमें यहाँ पर पैसेंजर डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर ऐड न्यू इस पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर नाम यहाँ पर लेना है, तो जिस नाम से हमें यह टिकट बुक करनी है वो नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नाम यहाँ पर ले लिया है। एज क्या है तो एज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मेल फीमेल क्या है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर इंडिया यहाँ पर रहने देना है, यहाँ पर हम बर्थ यहाँ पर लोअर यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। हम यहाँ पर ऐड पैसेंजर इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड पैसेंजर मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। फिर से यहाँ पर नाम यहाँ पर हम ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। मेल फीमेल हम यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर लोअर यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर ऐड पैसेंजर इस पर क्लिक करेंगे। ये सब करते ही आप यहाँ पर देखेंगे जो पैसेंजर डिटेल है वो हमें यहाँ पर दिख रही है। अभी भी अगर जो हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर लेना है, तो जो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर रखना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ले लेंगे। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर ले लिया, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम चेक बॉक्स यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो जो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, यहाँ पर एड्रेस हमें यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर कलोल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंड यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर जो आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर भी यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर लेना है, जहाँ हमें जाना है वो वहाँ का पिन कोड हमें यहाँ पर डालना होगा। जहाँ से हम टिकट बना रहे हैं वहाँ का नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पर जो ये पिन कोड है यहाँ पर डाल दिया हूँ। यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर कलोल यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद हम पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर भीम UPI यहाँ पर ले लेता हूँ।
इसके बाद हम यहाँ पर जो इंश्योरेंस है हम इस पर यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद हम यहाँ पर रिव्यू जनरी डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम यस कर लेते हैं। इसके बाद सारी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो जो डिटेल हमने यहाँ पर फिलअप की हैं वो सब की सब हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये कैप्चा हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो ये कैप्चा मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे इस पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर भीम यूपीआई के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं। अगर जो आप अन्य से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर भीम यूपीआई को यहाँ पर लूँगा, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद हम यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो भी हमारी जो भीम आईडी है वो हम यहाँ पर डालेंगे। पेटीएम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर यूपीआई यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर डालनी है, तो मैं यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। और ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर मिनट यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। इतनी देर में हमारे उस नंबर पर वो जो भीम एप्लीकेशन है वहाँ पर नोटिफिकेशन जाएगा। हमें वहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ पर यस पर क्लिक करना है। हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो जैसे ही मेरे पास ये नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो अगर जो आप ये सारे स्टेप अपनाते हैं तो आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। हम यहाँ पर माई ट्रांजेक्शन में जा कर के अपने जो टिकट हैं वो यहाँ पर देख भी सकते हैं। हम यहाँ पर माई बुकिंग्स पर जाएंगे, उसके बाद कंप्लीटेड पर जाएंगे, तो जो भी टिकट हमने बुक की है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। हम यहाँ पर क्लिक करके उसको यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका एक मैसेज हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी चला गया है, तो हम वहाँ से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारी जो टिकट है ये बुक कर लेनी है। आशा है आप समझ चुके होंगे, आपके लिए जो ये वीडियो है यूजफुल रही होगी। अगर जो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स।